एजुकेशन T20 में हम सब आप सबका स्वागत है। आज हम BPSC के लास्ट ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि पिछले ईयर कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, उसी बेसिस पर हम आगे की तैयारी करेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन है, हु वाज़ द लीडर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई 1857 में बिहार का कौन सा रूलर भाग लिए थे। तो इसका आंसर बी होगा, बाबू कुंवर सिंह। दूसरा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा वाज कैप्चर वाइल्ड एस्लिप ऑन, बिरसा मुंडा को कैप्चर कर लिया गया था यानी अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा जब वो सोए हुए थे। तो इसका आंसर कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं ई आंसर होगा, नन ऑफ दिस। और इसका सही आंसर है 3 मार्च 1900। तीसरा क्वेश्चन है, इफ कॉन्टेस्टेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलमार्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, इसको कौन लिखा था। इसको लिखा गया था हंटर द्वारा, W.W. Hunter जिनका पूरा नाम था। चौथा क्वेश्चन है, इन माई बिलीव कांग्रेस इज टॉटरिंग ऑन इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट इज टू ए पीसफुल डिमाइस, इसको कौन लिखा था। इसका मतलब ये होता है कांग्रेस टॉर्चरिंग कर रहा था फॉल के लिए, वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इंडिया इज टू असिस्ट ए पीसफुल डिमाइस, तो इसको बोला गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। पांचवा क्वेश्चन है, हु ड्रू द महात्मा गांधी अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्स बाय द यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स, जब यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स पर जब उनको फोर्स किया गया उनको इंडिगो उगाने के लिए अपने यूरोपियन द्वारा कि वो इंडिगो उगाए, क्योंकि इंडिगो का मांग यूरोप में बहुत ज़्यादा था, तो उनको अपना मनपसंद का खेती करने से रोका जा रहा था, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले थे राजा कुमार शुक्ला, जिन्होंने महात्मा गांधी को इसकी खबर दी कि आप यहाँ आके आंदोलन करें कि यहाँ पर फार्मर के साथ अत्याचार हो रहा है। ये थे राजा कुमार शुक्ला। छठा क्वेश्चन है, हु वाज़ इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ 1936, तो इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती सी। सातवां क्वेश्चन है, सर माइकल ओडेयर वाज शॉट डेड इन 13 मार्च 1914 इन लंदन बाय, ये इनको लंदन में मार दिया गया था हमारे रिवॉल्यूशनरीज द्वारा, तो इसका सही आंसर है डी, ऊधम सिंह ने इनको मार दिया था। आठवां क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन द मॉन्टेगो चेल्म्सफोर्ड एक्ट वाज पास्ड इन 1919, कि उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर कौन था जब 1919 का मॉन्टेगो चेल्म्सफोर्ड एक्ट था जो कि पास किया गया था ब्रिटिश द्वारा, तो उस समय वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे लॉयड जॉर्ज थे। हु लेफ्ट पटना कॉलेज विद इन जस्ट 20 डेज रिमेनिंग फॉर इट्स एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द नन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब 20 दिन बाकी था एग्ज़ाम देने का पटना कॉलेज से, तो किस क्रांतिकारी ने नन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिया था अपने एग्जाम को छोड़कर, तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण। दसवां क्वेश्चन है, हु बिकम द चैंपियन ऑफ द सोशलिज्म एंड वांटेड टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल प्रिंसली स्टेट लैंड लॉरिज्म एंड कैपिटलिज्म इन 1933, तो चैंपियन ऑफ सोशलिज्म जो थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश को उखाड़ कर फेंक दिया जाए, और जो ब्रिटिश का कैपिटलिज्म और लैंड लॉरिज्म है उसको 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 बाहर फेंक दिया जाए, तो इसका इसके चैंपियन थे जवाहरलाल नेहरू। 11 नंबर क्वेश्चन है, हु ज्वाइन द सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एक्टिवली एसोसिएटेड विद द INA मूवमेंट, हम लोग बार बार कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस आज इंडियन नेशनल मूवमेंट के संस्थापक थे, तो ये नहीं है, वो उसके संस्थापक बहुत पहले ही उसको स्थापना कर दिया जा चुका था, ये उसके बाद उसका कारभार संभाले थे, तो इसका आंसर होगा राम नारायण प्रसाद, हु रिगार्डेड एज द मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन की मदर किसको कहा जाता है, ये डी मिट क्या है काम। विच जनरल वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज, हमारा 12वां क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन, इसका आंसर यहाँ नहीं दिया हुआ, इसका आंसर होगा मैडम भिखाजी कामा।
तेरहवा क्वेश्चन है विच जनरल वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ यानी किस न्यूज़पेपर में इस कौन जनरल रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से एसोसिएटेड नहीं था, यानी उससे कोई उसके मतलब नहीं था। तो इसमें से कोई नहीं है, इसका आंसर ई है। और ये सब संध्या, युगांतर, गदर एंड यंग इंडिया, ये सब जो पेपर था वो सब एक सोशल इविल्स को दूर करने के लिए ऐसे पेपर को छापा जाता था कि हमारे सोसाइटी में कौन कौन से सोशल इविल्स है। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का इसमें कोई जिक्र नहीं था। हमारा चौदहवा क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज दादा भाई नौरोजी हु कॉन्टेस्टेड ऑन द टिकट ऑफ। दादा भाई नौरोजी पहले इंसान थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट में के पहले मेंबर थे। वहाँ के लंदन में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वहाँ के वो मेंबर बने थे। तो वो किस पार्टी से थे? तो वो थे लिबरल पार्टी से। स्वराज पार्टी फर्स्ट फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेल्योर ऑफ, यानी किस मूवमेंट के फेल्योर होने के बाद स्वराज पार्टी को बनाने के नौबत आएगी। तो नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1931 में चल रहा था उसको फेल्योर होने के बाद स्वराज पार्टी को बनाने के नौबत आएगी। 16वां क्वेश्चन है द चित्तौड़गढ़ आर्मरी रेड हैज़ बीन प्लान्ड बाय। चित्तौड़गढ़ आर्मी रेड जो प्लान किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था सूर्य सेन के द्वारा। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, कैबिनेट मिशन जो इंडिया भेजा गया था लंदन कैबिनेट के द्वारा वो कब भेजा गया था? तो ई होगा, नन ऑफ दिस होगा। और इसका सही आंसर है मई जून 1942। प्लेजर ऑफ 18वां क्वेश्चन है प्लेजर ऑफ ब्रिटिश हु लेफ्ट हिज लुक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज। यानी कौन ऐसा बिहार का कौन ऐसा इंसान था जो अपने सारे ऐशो आराम को छोड़कर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में भाग लिया था? इसका होगा राजेंद्र प्रसाद। 19वां क्वेश्चन द प्रीकसर ऑफ द इंडियन कांग्रेस वाज। तो इसका आंसर होगा बी इंडियन एसोसिएशन। यानी इंडियन कांग्रेस डायरेक्टली फॉर्म नहीं हो गया था, उसके पहले इसका वो चलते हुआ 1985 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था उससे पहले भी ये वजूद में था। तो जो कि जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। 20वां क्वेश्चन हु ऑर्गेनाइज दी खुदी की दामतर इन 1929। तो इसका आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान। आगे मेरे ये सॉल्विंग क्वेश्चन है, इसको भी हम सब सॉल्व करेंगे। ये बाकी का क्वेश्चन हम सब नेक्स्ट बार में देखेंगे। इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।